हीट वेव की चपेट में यूरोप, द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, कोरोना की फिर बढ़ी रफ्तार, बेन स्टॉक्स ने लिया वनडे क्रिकेट से संन्यास। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत के बड़े हिस्से में जहां घनघोर बारिश हो रही है, वहीं कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है। दूसरी ओर दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां भीषण गर्मी और हीट वेव से हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते हुए तापमान से फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में आग लग रही है। गर्मी के भयावह रूप का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की सड़कें पिघल रही है, यहां तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। स्पेन और पुर्तगाल में मरने वालों की संख्या 1700 के करीब पहुंच गई है। ताजा हालातों पर नजर डालें तो पता चलता है कि यूरोप पूरी तरह से हीट वेव की चपेट में आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास में पहली बार यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। गर्मी से रेल सेवाएं प्रभावित हुई है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस में भी एक हफ्ते में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। यहाँ नदियों का पानी गर्म हो गया है, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का प्रोडक्शन ठप हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के लोग गर्मी की वजह से सूखे की मार झेल रहे हैं। बेल्जियम और स्वीडन में गर्मी बढ़ने से रेड और ऑरेंज वार्निंग दे दी गई है। वाइल्ड फायर की वजह से इटली भी हाई अलर्ट पर है। आसपास के इलाकों, जंगलों और टेरिटरी क्षेत्रों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले साल 2003 में भी यूरोप हीट वेव का शिकार हुआ था। बताया जाता है कि तब हीट वेव में 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। अंदाज लगाया जा रहा है कि मौसम का चक्र पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ओडिशा की भारत नेता व झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई है। उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को करारी शिकस्त देकर करीब 28% मतों से विजय श्री हासिल की। पार्षद से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली मुर्मू ने राष्ट्रपति पद तक पहुंचकर एक साथ कई इतिहास रच दिए हैं। वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने के साथ ही आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी होंगी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद वे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इस चुनाव में खास बात यह रही कि एनडीए समर्थक दलों के साथ ही मुर्मू को कांग्रेस व अन्य दलों के सांसदों और विधायकों का समर्थन भी हासिल हुआ। एक जानकारी के मुताबिक 17 सांसदों तथा 100 से ज्यादा विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जा रहा है कि वे रबर स्टैम्प के रूप में काम करेंगी। ऐसे लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल थी, तब उन्होंने भाजपा की रघुवर दास सरकार के विवादित CNT-SPT संशोधन बिल को लौटा दिया था। दरअसल इस एक्ट में किए गए संशोधनों का विपक्षी दल पुरजोर विरोध कर रहे थे। पूरे राज्य में इसे लेकर टकराव की स्थिति बन गई थी और राज्य की आदिवासी जनता इसके विरोध में सड़कों पर उतर गई थी। इस एक्ट को लौटाने के बाद तत्कालीन राज्यपाल मुर्मू के इस कदम की विपक्षी दलों ने काफी सराहना की थी और इसे लोकतंत्र की जीत बताया था। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल रोज 20,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 22 जुलाई को महाराष्ट्र में 2,500 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि तमिलनाडु में 2,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा भी 200 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज फ्री कर दी है। हालांकि सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक अभी भी करीब 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है। विदेशों में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोरोना को लेकर हालत खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर ब्रिटिश मेडिकल जनरल द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक जांच से पता चला है कि लंबे समय तक कोविड के प्रभाव के शिकार लोग महंगे ब्लडशिंग इलाज के लिए विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। चीन में 41 शहरों में 26 करोड़ लोग लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान करते हुए वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 विश्व कप फाइनल में उनके प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा, जिसमें उन्होंने नाबाद 84 रनों की पारी खेली थी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स ने 105 एक दिवसीय मुकाबलों में 2924 रन बनाने के अलावा 74 विकेट भी चटकाए। इसके अलावा इस हफ्ते दो और क्रिकेटरों ने संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज हैंडल सीमंस और पूर्व कप्तान और विकेट कीपर रहे दिनेश रामदीन ने भी क्रिकेट को अलविदा कहा। अब खबरें संक्षेप में। सिंगापुर यात्रा को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने। बारिश ने खोली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल, उद्घाटन के 5 दिन बाद ही नजर आया 1.5 फुट गहरा गड्ढा। विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना। ऋषि सुनक के सपनों पर फिर पड़ सकता है पानी, लिस्टर्स ने बनाई बढ़त। यूगव सर्वे के मुताबिक लीज बन सकती है यूके की पीएम। केरल में मिला मंकी पॉक्स का तीसरा मामला, यूएई से लौटे युवक में हुई संक्रमण की पुष्टि। 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में तमिल भाषा की सोरारई पोटारू सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सूर्या और अजय देवगन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अर्पणा बालमुरली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित। संगीतकार और गायक भूपेंद्र सिंह का 18 जुलाई को निधन। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप और पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने जीते सर्वाधिक पद। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।